रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हॉट एंड सॉर सूप, और सर्दियों की स्पेशलिटी है। और आज मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। होप यू एंजॉय द वीडियो। हॉट एंड सॉर सूप के लिए मैंने ना कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट को मैंने ब्रिक भी काट के रख लिया था, और चिकन भी मैंने ना इसके लिए बना के रख। और उसके लिए मैंने सूप बॉयल पहले कर लिया था, सूप उसका सेपरेट कर लिया था मैंने, और मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, ताकि अब इसमें मैं डालूंगी इसके बाद इसमें वेजिटेबल। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे जो मैंने कट की। वेजिटेबल्स मैंने डाल दिए हैं बीच में, तो अब ये बॉयल होंगी जो कैप्सिकम है, ज़रा गर्म हो जाएगी सॉफ्ट सी, तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। इसमें मैंने ना 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली थी, और अब साथ में मैं डालूंगी विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे। अब ये बॉयल हो गया हुआ है, काफ़ी देर से हो रहा है, 10 से 15 मिनट हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये बॉयल हो रहा है, अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, अब हम इस पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे 4 से 5 चम्मच, और इसका मिक्सचर बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स कर लिया, इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच लिए हैं टेबल स्पून, और इसकी थिकनेस ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सूप के अंदर डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाई जाएंगे हम। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद सूप की थिकनेस ऐसे हो, हम इसमें अंडे डालेंगे। मैंने 6 अंडे लिए हैं, तो अब इसको हम फेंटेंगे। अंडों को ना हमने अच्छी तरह फेंटना है, ताकि इसकी दाग बने ऐसे। हम इसको सूप के अंदर डालेंगे। राम राम। सूप के अंदर हमने डाले अंडे, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और कम से कम सूप के अंदर हमने अंडे डाल लिए, और हम इसको अब 2 से 3 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह। और शक्ल माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है, और खुशबू भी अच्छी है। आप गिलास में घर में ट्राई किए देखिए, गर्मियों के तो ये वैसे बहुत अच्छी सौगात है, दिल करता है बंदा सूप। सूप बन के तैयार है, और अब हम इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। तो मैंने सर्व कर लिया है, और आप